नमस्कार दोस्तों, आज संध्या मिश्रा के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो बना तो आपके पास हमारा वीडियो हर समय पर मिलते जाएँ। दोस्तों, आज चल रहे हैं अपने किचन में हम सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर जैसे इस तरह से बर्फी आप बनाएंगे, बहुत टेस्टी बर्फी इस तरह से बनता है सूजी का। तो दोस्तों, मार्केट जैसे बर्फी आज सूजी की हम बनाने चल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो सामान हमको डालना है उसमें दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि हमने 1 kg सूजी लिए हैं। सूजी लेने के यहाँ पे जैसे देख रहे हैं बारी हुई सूजी मारा है। आप मोटे हुई सूजी ले सकते हैं, कोई भी सूजी ले सकते हैं आप। यहाँ पे एक साइड पे सूजी को कर ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि गड़ी को हमने कस के रख लिए हैं। यहाँ पे गड़ी को इस तरह से हमने चस लिए हैं। यहाँ पे काजू बादाम को भी लंबे लंबे चस लिए हैं। जैसे काजू बादाम को देखते हैं लंबे लंबे चसने पे ढेर सारे हमारा लगता है देखने में, पतले पतले बिल्कुल बारी हुई चसे हैं। इसको हम इसको भी एक साइड में रख दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 पाव चीनी लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि आपको जैसे कम बेसी मीठे खाते हों उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 1/2 kg दूध लिए हैं। अब इसको हम चाशनी बनाने के लिए चल रहे हैं। पहले भूनेंगे इसको, सूजी को एक तरफ चाशनी बनाएंगे। तो इधर देख रहे हैं कि जैसे कि गैस को जला लिए, तो इस पर रख दिए हैं गैस को चूल्हे पे कढ़ाइयों को गर्म होने के लिए। अब एक तरफ देख रहे हैं कि हमने चाशनी बनाने के लिए रख दे रहे हैं। दोनों को रख दिए, दोनों साइड दूध पहले उबले करने के लिए रख दे रहे हैं। दूध एक उबाल आ जाएगा हमारा। आपके पास गर्म दूध हो चाहे कोई भी दूध आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको ले लिए। अब लेने के बाद से हम इधर सूजी को डालकर भुनेंगे। सूजी को इसमें डालकर हम इसी तरह भुनेंगे। एक उबाल आने तक दूध को इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से दूध उबाल आ गया है तो इसमें चीनी डालकर हम चला लेंगे। चीनी जब तक चलाएंगे कि जब तक हमारा चीनी अच्छे से गल ना जाए। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। दोस्तों, आपके पास मिंग पाउडर हो तो दूध का जैसे, तो आप इसमें इसी समय 1 कटोरी डाल सकते हैं, या कि दूध हमारा और गाढ़े हो जाए। अब इधर दोस्तों हम अच्छे से भून लिए इसको। तो इस तरह से जैसे देखते हैं कि हम चला चला कर इसको हमेशा भूजते रहेंगे, ताकि नीचे से जले ना हमारा। इसको दोस्तों हल्के ब्राउन तक हम भूनेंगे। अब देखिए अच्छे से हमारा सूजी भुना गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम और इसको भी 2 मिनट भूनेंगे। अब इधर देख रहे हैं कि सूजी हमारा बहुत अच्छे से भुना गया है। इसको लगातार आप चलाते रहेंगे, नीचे से जलने लगता है। अब इसमें देख रहे हैं कि दूध में हम इसमें जैसे मलाई डालेंगे। तो चीनी हमारा बिल्कुल गल गया है, देख रहे हैं जैसे नीचे से। तो दोस्तों इधर हमारा देख रहे हैं सूजी भुना गया अच्छे से। अब इसको एक थाली में हम पलटी कर लेंगे ठंडे होने के लिए। सूजी को हम पलटी कर लिए हैं। यहाँ पे पलटी करने के बाद फिर दूसरे सूजी को इसी तरह से हल्के से भूनेंगे। बस इसको हल्के से भूनेंगे, जाके इसकी कच्चाईपन दूर हो जाए, कच्चे मत रह जाए सूजी हमारा। अभी तो चीनी गल गया है तो इसमें हम मलाई डालेंगे। तो मलाई हमारा यहाँ पे देख रहे हैं 3 दिन की मलाई हमने बटोर के रखी है, तो इसको डाल दे रहे हैं। इसको डालने से दूध हमारा गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें हम गर्म दूध में इस तरह से मलाई को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब इधर सूजी को हम चला चला कर भूनेंगे भी। इधर आप देख रहे हैं सूजी हमारा अच्छे से भुना गया है। इधर दूध भी हमारे जैसे चाशनी भी अच्छे से बन चुका है। एक तार की चाशनी हमको चाहिए, तो इसमें हम गड़ी के मुरादे को डाल दे रहे हैं साथ में। तो देख रहे हैं बिल्कुल गाढ़े हो गया है। तो एक तार की चाशनी लेने के लिए अब ट्रे में हम पहले घी लगाएंगे। ट्रे हो आपके पास, थाली हो, आप कोई चीज़ में घी लगाकर इसको बर्फी को जमा सकते हैं। अभी तक ट्रे में घी लगाकर एक साइड में कर दे रहे हैं ट्रे को। अब दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे हमको चाशनी चाहिए। पहले एक साइड से हम इसमें चाशनी निकाल ले रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक तार की चाशनी है हमारा। तो बर्फी के लिए दोस्तों एक तार की चाशनी बहुत काफ़ी होता है। इसको ज़्यादा करके नहीं, जैसे हम बनाते हैं छेने के लिए काले जाम के लिए चाशनी, उसी तरह से हमको चाहिए।
अब इसमें हम डालते जा रहे हैं, इसको मिलाते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बारिश हो रही है तो जैसे देख रहे हैं सफ़ा वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसको अच्छे से मिला लिए, मिलाने के बाद से हम इसको ठंडे कर ले रहे हैं, इसमें जमा देंगे। तो ट्रे में हम इसको निकालते जाएंगे, इसको दबाते जाएंगे चम्मच के सहारे से, इसको हम दबा लेंगे क्योंकि हाथ नहीं लगाएंगे, बहुत गर्म है अभी। अब इस तरह से इसको हम कर लिए हैं। अब दूसरा भी हम इसी तरह से पहले मिला लेंगे। तो इसको कोने में जैसे देख रहे हैं कि हम इसको इस तरह से बना लेंगे, इसके कोने में जैसे देख रहे हैं वाइट वाला सूजी जब मिक्स कर लेंगे तो मिलाकर इसमें डालेंगे तो बर्फी हमारा जैसे देखते हैं मार्केट में 2 किता की मिलती है उस तरह से हमारा हो जाएगा। अब इधर कढ़ाई में इसको भी डालकर हम अच्छे से कर ले रहे हैं। अब मिला रहे हैं इस तरह से सूजी को हम अच्छे से, मिलाकर दोस्तों अच्छे से हम मिक्स कर लिए इसमें। अब यहाँ पे हमारा अच्छे से मिल चुका है तो इसको भी बीच बीच में डाल दे रहे हैं। इसी तरह से हम सारे धारे बनाते जाएंगे इसके। तो दोस्तों इसको हम जैसे देख रहे हैं इस तरह से हम कर लिए हैं इसको बीच में, और फिर दूसरे भी आ रहे हैं इसी तरह से हम गिरा लेंगे। दोस्तों बर्फी देखिए कितनी अच्छा देखने में लग रहा है, बहुत टेस्टी बर्फी है दोस्तों ये। तो इसमें देखते दोस्तों जैसे मार्केट में जैसे देखते हैं कोई भी सामान बनता है तो खाने के लिए नहीं करता है मन, तो इस तरह से आप घर पे बनाएंगे ताज़ी बर्फी जैसे देखते हैं रक्षाबंधन पे, तो इस तरह से इसके भी साइड हम दबा दे रहे हैं। इसमें अच्छे से हमारे सूजी जो है अच्छे से फूल भी गया है, अच्छे से चाशनी इसमें बिन गया। तो इसमें दोस्तों इसी तरह से हम इसको कर लिए हैं। अब इसके साइड में फिर हम जैसे सूजी फेंट कर रखे हैं हलवे टाइप में, तो इसको भी इसी में दबाते जाएंगे। अब इस तरह से देख रहे हैं हम अच्छे से बन गया है, इसी तरह से दूसरे भी धारी बना ले रहे हैं, जो खाली की जगह है उसको भी भर दे रहे हैं। अब सारे क्यों देखिए इसी से हम कर लिए। अब अच्छे से हम इस पर जैसे मावे जो काट कर रखे हैं इस पर लगा दे रहे हैं। अब बहुत सुंदर देखने में लग रहा है तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठंडे करने के लिए छोड़ने के बाद इसको हम काट लेंगे। तो दोस्तों इसको जैसे बीच में से पहले वाइट वाले बीच में से आप 2 भाग करिए, फिर एक भाग जो है देख रहे हैं रेड वाले में डाल करिए, एक भाग जो है दूसरे रेड वाले में, तो बीच में से काटेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से बर्फी का हमारा पीस बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम साइड से चल रहे हैं काटने के लिए, अब ठंडे हो गया है तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम इसको लंबे लंबे काट ले हैं। इस तरह से हम सारे बर्फियों को काट कर देख रहे हैं अलग अलग कर लिए हैं। अब इसको दोस्तों एक प्लेट में हम सजा लेंगे, एक प्लेट में इसको निकालते जा रहे हैं, इस तरह से रखते जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी हमारा अच्छे से ठंडे नहीं हुआ है बर्फी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाने के लिए बर्फी को निकाल लिए हैं। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये बन के बर्फी तैयार हो गया, बहुत टेस्टी बर्फी बनाए दोस्तों, इस तरह से आप ज़रूर बनाएँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जिन लोगों ने नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज की रेसिपी अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।